मित्र, हम सभी के सामने 2047 एक टारगेट है और मौजूदा स्थिति में भारत की जो युवा वर्ग है, हर एक साल 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और हर एक एज ग्रुप में अराउंड, अभी थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबिलाइज होने लगा है, थोड़ा 1.7 तक वो आया है, थोड़ा उससे 2 करोड़ से घट रहा है, लेकिन अमूमन 2 करोड़ लोग ऐसे मानना चाहिए। अगर 18 to 25 हम हायर एजुकेशन ब्रैकेट गिनते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल में सब लोग 25 तक हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करेंगे, सभी लोग हायर एजुकेशन इकोसिस्टम पे आते भी नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिस प्रकार से रहते हैं, उस एज ग्रुप के कई सारे लोग उसके पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़ जाते हैं, नहीं तो सोशल कंपल्सन में ये सारे दुनिया से वंचित भी रहते हैं। अगर जितने लोग आज आ रहे हैं उसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो अराउंड 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और ये 28% GER है। एनईपी ने ये कहा है कि आने वाले 10-12 साल में इसको 50% तक ले जाना, यानी डबल द नंबर करना है। डबल द नंबर करने में चुनौती अनेक है, लेकिन लक्ष्य उसको पूरा करने, इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बार की पिछले दिनों में जिस प्रकार की जर्निंग हमारी देश की आजादी का 77 ईयर हम लोगों ने पूरा किया, अभी अभी हम अगस्त 15 पूरा किए हैं, मैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से आगे जाके जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को हिसाब करता हूं, पिछले लगभग नियरिंग 8 decades में प्रवास हमारी बहुत संतोषजनक रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले जर्नी हमारी रही है। ये सारे आप लोगों की उपस्थिति और आज देश में 1200 यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस कॉलेज UGC की मान्यता के हिसाब से अराउंड 3000 है, और मैं अनेक इंस्टीट्यूशंस की हेड्स को यहां देख पा रहा हूं, उस प्रकार की अच्छे कॉलेज को हम गिने तो देश में आज लगभग 5000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन में काम करते हैं, जो एक प्रकार से सभी इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। देश में कॉलेज की संख्या, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की संख्या अराउंड 50,000 है, उस 50,000 की 10% एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। हमारे सामने चुनौती है 4 करोड़ 30 लाख बच्चे, 28% GER। आज विश्व की वर्कफोर्स की अगर मेडन एज हम देखते हैं, भारत सबसे युवा देश इसीलिए कहा जाता है, युवाओं के देश इसीलिए कहा जाता है, आज भी 20s में भारत की मेडन वर्किंग पॉपुलेशन की मेडन एज 20s में 27 या समथिंग होगा। अमेरिका आगे जा चुका है, जापान एजिंग हो रहा है, चाइना हमसे काफी आगे हैं, और आने वाले 25 साल के अंदर हमारी भी एज बढ़ेगी, लेकिन दुनिया की एज और बढ़ेगी। तो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास आने वाले 25 साल तो निश्चित रूप में रहने वाला है। हमें लगभग अगर 4 करोड़ की डबल करना है तो 8-10 करोड़ बच्चों को हायर एजुकेशन इकोसिस्टम पे लाना है। इंस्टीट्यूशन अभी हमारे पास 50,000 है, 5,000 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, सभी को NIRF, NAC अक्रेडिटेशन प्रोसेस, इन दोनों में तो सबको जुड़वाना पड़ेगा। मेरे दृष्टि से IDP की ये पहला स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो हम अपना IDP बनाएंगे, कि हमारे सामने टारगेट क्या है, 2047 हमारी एज ग्रुप, हमारी स्टूडेंट नंबर, हमारी कम्युनिटी की नेचर, हमारी इलाका में आने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसकी सोशल इम्पैक्ट। पहले हम लोग UGC की पैटर्न पे हम एक कोर्स की एनविजन करते हैं, AICT की पैटर्न से एनविजन करते हैं, या कोई हमारे देश में कई प्रकार के सक्सेसफुल प्रयोग हुए हैं भी, आफ्टरऑल कई प्रकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
आईएसबी मॉडल में भी काम करते हैं जिनको ना यूजीसी की आवश्यकता है ना आईसीटी की आवश्यकता है, लेकिन उनकी कोर्सेस भी समाज में स्वीकृति मिला है, समाज में उसकी ग्राह्यता हुई है। इसलिए हम सभी ने सरकार की उद्यम से और निजी क्षेत्र के उद्यम से अनेकों प्रकार के मॉडल हम लोगों ने बना लिए हैं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।